आज का वेदर दिल्ली बोलती हूँ, आज का वेदर गोवा में बहुत ग्लूमी है। देखो ना, धूप है ना वैसे तो। आज मैं रूम पे हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, पूल में नहाने जाऊँगी अभी, ये आराम से स्विम करूँगी। कल रात भी गई थी, अच्छा लगा था। गोवा छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि टाइम ऐसे रुक गया, मतलब एक जगह पे। गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा लास्ट मॉर्निंग है गोवा में। मैं दोपहर की मेरी फ़्लाइट है, दोपहर नहीं 10 बजे की। तो अभी मैं बस पैकिंग कर रही हूँ। गाइस मैं भी निकलने वाली हूँ, मेरा पैकिंग वगैरह हो गया है। गाइस मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा, इसे लेटी हूँ। अभी कार आ गया है, बुला रहे हैं, अभी मुझे उतरना पड़ेगा ना। दुख लग रहा है मुझे, चलते हैं अब। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why? हम लोग किसका वेट कर रहे हैं? कि मम्मा का वेट कर रहे हैं ना। तुमको पता चल गया मम्मा आ रहे हैं। ठंडा खोल दो चप्पल। हाँ मेरा है ना। हाँ ठीक दो। कुछ दी भुला तो नहीं उतनी करे सा। थैंक यू दादा, गुड नाइट। रुको दीदी, हम लेके जाएगा भिक्की को। कितना एक्साइटेड है आज भिक्की का बर्थडे, अभी तक है। बस मैंने ना क्या हुआ, मैंने गोवा का फर्स्ट डे का व्लॉग डाला, फिर मैंने सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग एक साथ डाला ना, फोर्थ और फिफ्थ डे का व्लॉग मैंने एक साथ बनाया था। तो टोटल मतलब 3 वीडियोस थे। तो लास्ट वाला वीडियो क्या हो गया कि मैंने गलती से मतलब अपलोडिंग पे रख दिया, अपलोड हो रहा था तो अपलोडिंग पे रख दिया, अपलोड हो रहा था इसके बाद तो मैंने गैलरी से डिलीट कर दिया, और मैंने रिसाइकल बिन भी क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरा मेरा मतलब मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा वीडियो हो गया था कि मेमोरी फुल दिखा रहा था। तो मुझे और वीडियो एडिट करना था आगे, तो मुझे क्लियर करना था स्पेस। तो उसके लिए मैंने जैसे मतलब स्पेस क्लियर करने के लिए डिलीट किया, मेरे माइंड में था कि अपलोड हो गया, अब तो बन गया मतलब, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ था। और तो मेरा थर्ड और फोर्थ डे मतलब फोर्थ और फिफ्थ डे का वीडियो नहीं बन मतलब तो पता है मैं बहुत दुखी थी, एक दिन दो दिन मैं बहुत दुखी थी, पर अभी इस बात को 2-3 दिन हो गए हैं, तो मुझे अभी इसलिए मैं अभी बताने में इतना वो नहीं हो रहा। पहले ऐसे हो गई थी कि मतलब मैं
क्या करूँ, ऐसा हो रहा था, वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है सब। लेकिन ये पहली बार हुआ है यूट्यूब में, जब से मैंने डालना शुरू किया था अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ ऐसा। मतलब डिलीट हो जाता था लेकिन कैसे ना कैसे मैं रिकवर कर लेती थी, पर इस बार नहीं हो पाया। अभी मैंने वैसे आज मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया, देखो मैंने ब्रेकफास्ट गोवा में किया, लंच मैंने कोलकाता में किया, और डिनर अभी मैं करूँगी गुवाहाटी में। तो भुनू ने क्या क्या बनाया पता नहीं, देखते, फिश या कुछ ऐसा बनाया, तो वो खा के बहुत थक गई हूँ वैसे तो, सोना है अभी, कल ही शायद ब्लॉग करूँगी मैं कंटिन्यू। ये क्या है बुनु, फ्लोर पे लेट के क्या कर रहे तुम? ची 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 ची, चेंज करो जल्दी, और गंदा देखो तो बाल बाल हो गई की का। फ्लोर पे देखो, फ्लोर पे लेटा भाई, बिस्तर में लेटो, जाओ ना। डालेगा अब तो अन्य हिकी ची, कौन बात कर रहा था लेट के? मेरा बच्चा का चक्का चिकी का नूनू खा के देखेगा इन्ना तेती ता। अब जालचो जालचो बुनो, उठो उठो ची उठो मालूम है हमको, और करो मजे, हमको ऑल करो प्लीज, मजा आना था, ऑल करो हमको अन्ना अन्ना इंसान है ये तो, इंसान का बच्चा है क्या तू? ये कौन इतना प्यार कर रहा है ये? अब प्यार, फ्लैश लाइट ऑन कर ले, फ्लैश लाइट, फ्लैश फ्लैश लाइट ऑन करके फ्लैश फ्लैश दिखेगा। पुचक 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 पुचक, शाम के 5 बज रहे हैं, और मेरी भी तबीयत कल से ठीक नहीं थी। बुलू भी नाइट शिफ्ट करके आई है, फिर नाइट शिफ्ट करके आके सोई भी नहीं, आके फिर वो गई, कुछ था काउंसलिंग, कुछ काम था तो गई, फिर वो शाम को आई थी 4 बजे खुद सोई थी। तो मैं बाहर आई हूँ कुछ लेने, सामान लेते लेते इतना अंधेरा हो गया, मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी लिया है। कल है सैटरडे और आज है कल था थर्सडे ऑब्वियसली, तो आज का दिन हम नॉनवेज खा सकते हैं, थर्सडे सैटरडे नहीं खाते तो आज खा सकते, तो इसलिए मैंने चिकन लेके आया। तो मैं बीन्स वाला चिकन बॉयल बनाऊंगी, चिकन बॉयल सबको पसंद है। धनिया देखो तो, धनिया ये है, ये 10 रुपये का धनिया, ये 20 रुपये का धनिया, ओह माय गॉड, इसमें तो फिर भी बड़ा दिख रहा है, ये है कुछ नहीं है, ये मतलब देखिए, ये 10 रुपये का धनिया है, बताओ ये 10 का धनिया है, सही बोला सही बोला, ये 10 का है, नहीं नहीं ना, हिकी को भी पता है ये 10 का है, ये होगा 2 रुपए का, ये होगा 2 रुपए का, ये है 4 रुपए का धनिया है। ओह बीन्स है, और भी सब्जी वगैरह लेके आए मैं, क्या क्या, भात करेला, भिंडी, मेरा फेवरेट नींबू। सबसे बोरिंग क्या होता है कि जब आप खाना बनाने आओ और एक भी बर्तन साफ ना हो, सब बर्तन गंदा हो, बर्तन साफ हो तो खाना बनाने में इजी होता है, बर्तन धोना पड़ेगा पहले पहले मैं बस वो धोंगी जो अभी मुझे चाहिए, इसके बाद खाना बन मेरा, मैं ऐसे करती हूँ खाना पकता रहता है तब तक मैं दूसरे काम करती रहती हूँ, हमेशा सोचती हूँ एक एप्रन ले लो, हमेशा भूल जाती हूँ। मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ मेरा पूरा कपड़ा भीग जाता है, लंबे होते तो ऐसे धोते ना, ऐसे तो नहीं भीगता, मैं ऐसे धोती हूँ और भीग जाता। सबसे पहले मैं कढ़ाई में पानी चढ़ा दूंगी, और नहीं कढ़ाई में पानी डाल के गैस में चढ़ा दूंगी, अब जब तक ये पानी होगा मैं इंग्रेडिएंट्स तैयार करती हूँ। अदरक और लहसुन कूट के डाल दिया, और अब डालेंगे टमाटर, टमाटर ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बैम्बू शूट भी डालूंगी तो खट्टा तो हो जाएगा, ऐसे एक ही डाला मैंने टमाटर। देखो 20 रुपये का धनिया धोने के बाद, तो हम तो धनिया यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढना पड़ेगा। बीस पानी उबल गया तो अभी मैं चिकन डाल दूंगी, इसको अभी भूल जाएंगे हम, इसको ढक के रख दूंगी, और मैं बर्तन ये बर्तन धो के आती हूँ। टू एंड कान आगे पीछे कर रहा है,
मैं सभी सुबह के 5 बजे में मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी पहुँचने वाली है, कल वो निकली थी दिन में और आज पहुँचने वाली है। अचानक से ऐसा हो गया, मतलब बताया नहीं कि आ रही है, अचानक से प्लान बना कि कल आ रही है ऐसे, तो निकल गए, अभी पहुँचने वाली है। आधे दिन के बाद हम सब एक साथ होंगे। मैंने बोला मम्मी को कि दिवाली के लिए रुक जाओ, पर मम्मी दिवाली तक नहीं रुकेगी, बस 3 दिन के लिए आ रही है। तो लेकिन खुश तो इसलिए हो क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहे हम तो अभी, और हिकी कितना खुश होगा। मैं जब आती हूँ कहीं से, मतलब मैं आई गोवा से ना, फिर मेरी बहन भी आई अरुणाचल से, तो हिकी ज़्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा खुश होता है थोड़ा सा, लेकिन मम्मी जब आते पूरा रोता है ये तो पूरा, और आधा घंटा एक घंटे तक चलता है इसका, मतलब क्या क्या ऐसे पास बैठना, चिपकना, रोना धोना। लेकिन हम जब आते तो मुझे, क्योंकि ना जब इसको मैंने बचपन में अडॉप्ट किया था तो मम्मी ने ज़्यादा इसका ख्याल रखा था, नहीं मैंने रखा था वैसे, लेकिन मम्मी ने भी रखा था बहुत, तो इसलिए शायद अटैचमेंट हो गई है। वेट कर रही हूँ बस आने वाले कौन आएगी। अच्छा देखिए भी पूछी लाला था नानी के पास में, नानी का पोता, नानी का पोता। गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक आप ख्याल रखिए।